अच्छा कशमाला साहब, आप सियासत के अंदर रही हैं, बड़े अरसे तक रही हैं और अभी भी सियासी बसीरत रखती हैं, कहीं ये कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है? बहुत सारे जगह पर ये चहमगोइयां हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की एक स्ट्रैटेजी है, वो भांप चुके हैं कि पंजाब के अंदर बहुत सारी जगह पर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की जो नज़रिया है उसको सराहा जाता है और कुछ जगह पर नवाज शरीफ साहब के नज़रिए को सराहा जाता है। तो एक तरह से एक एक्टिंग हो रही है और इस एक्टिंग को इसलिए किया जा रहा है ताकि हर किस्म के वोट बैंक को पाया जा सके और पकड़ा जा सके। देखिए, बेसिकली अगर हर तरह के जो आप बात कह रही हैं, वोट बैंक को पाया भी जाता है तो वो भी शरीफ हैं और वो भी शरीफ हैं, तो वो आप डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे। फिर भी वोट तो पीएमएलएन को ही जाएगा ना, अगर इस तरह भी ले लें उसने तो दैट मीन्स इट्स अ स्मार्ट मूव देन, अगर आप उस तरीके से देखें। बट येस, जो अमार साहब ने बात की है कि जमहूरियत को चलना चाहिए और वोट का जो तकद्दस है, लेकिन अब आप ये देखें ना, वोट का तकद्दस जहाँ पे जब हम पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और इकतदार की राहदारियों में से गुज़रते हैं और जब हम हल्फ उठाते हैं और जब हम पाकिस्तान की जो है इंटरेस्ट को वो अपने तमाम इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं, तो जब आपकी 18वीं तरमीम पास होती है, 19वीं पास होती है, 20वीं पास होती है, उसमें आप पाकिस्तान का इंटरेस्ट मलहूज़े खातिर नहीं रखते, अपनी ज़ात का इंटरेस्ट मलहूज़े खातिर रखते हैं। उसके अंदर जो तमाम मेंबरान बैठे होते हैं, वो आपके सामने जब बिल आता है तो आज तक मैंने नहीं देखा कि 350 मेंबरान ने वो बिल पढ़ा हो और उसके बाद वो अपने ज़मीर से उसके ऊपर वोट डालें और कहें कि जी आयज़ या नोज़ का जब वहाँ पर स्पीकर सवाल करता है तो उसके ऊपर जवाब दें, क्योंकि वहाँ पे जब आ जाता है और पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो जो उन्होंने लाइन ले ली, उसके ऊपर कह दिया कि आपने ये बिल आज पास करना है, तो वो हमने देखा है कि कुछ मिनटों में भी बिल पास हो जाता है। तो उसमें फिर आप ये देखें ना कि उसमें पाकिस्तान की बालादस्ती कहाँ गई, उसमें पार्टियों का मुफाद जो है वो बालातर हो जाता है, उसमें ज़ातियात का मुफाद बालातर हो जाता है, उसमें वोट का तकद्दस कहाँ गया, उसमें आम आदमी का इंटरेस्ट कहाँ गया। सो यू नो दिस बैलेंस हैज़ टू बी केप्ट एंड क्रिएटेड, हाउ आई डोंट नो, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कि हम चीज़ें इवॉल्व कर रहे हैं। 18वीं तरमीम में जब आपने सूबों को इंडिपेंडेंस दे दी, बालादस्ती दे दी, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट काफ़ी हद तक किया, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी हुई, एक्सपेरिमेंट गलत भी हो गया कि अब सारे कह रहे हैं अच्छा 18वीं तरमीम में सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी। सो द पॉइंट इज़ कि जब तक मेंबरान उस जिम्मेदारी को पर्सनली नहीं उठाएंगे, आप देखें ना, आप अमेरिका में देख लें, बरतानिया में देख लें, जिन डेमोक्रेसीज़ को हम एग्जांपल लेते हैं कि जी हाँ हमें उनकी तरह का बनना चाहिए, उनकी तरह का हमारा सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनकी तरह की जमहूरियत होनी चाहिए, तो वहाँ पर लोग पढ़कर जाते हैं, सही, वहाँ पर लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को जाके लोगों को जवाबदेह होना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मीडिया को अगर माइनस कर दें, मीडिया के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड देन सोशल मीडिया इज़ अ न्यू फैक्टर इन दिस होल अरीना, तो उसमें बिल्कुल नया फिनोमेना है वो एक, उससे सिर्फ आप अवेयरनेस भी कह लें नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा उसकी नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी है। तो ये बात मैं कहूँगी कि ये एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हर 10 साल गुजरने के बाद हम फिर देखते हैं कि 1 step forward 10 steps back, कि हम एक कदम आगे अगर बढ़ते हैं जमहूरियत लेके तो हमें ख़तरा जो है वो फिर बूटों की आवाज़ का आने लग जाता है कि पीछे जा रहे हैं। तो वो किस वजह से, किस वजह से कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से। सही।